Now we start. 9 9 6 6 1 1 आपका मेंटी कोड है. यस. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे. आज का क्विज कंटेस्ट बहुत इंटरेस्टेड है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैर मैक्यूल फाउंडिंग, सैर मैक्यूल किसमें पाया जाता है? Sap vacuole found in only plant cell, only in animal cell. C option is both A and B, plant cell or animal cell, या none of these. इस समय आंसर किसका सही, कौन सही है आपको चूज करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. टाइम समाप्त होते जा रहा है, जल्दी करें. फास्ट थ्री टू वन टाइम आपका समाप्त हुआ. और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, ओनली प्लांट सेल. सिर्फ प्लांट सेल में सैप वैक्यूल पाया जाता है. ओनली प्लांट सेल में सैप वैक्यूल होता है. तेरह आदमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाए. चलिए कांग्रेचुलेशन यू ऑल. 13 आदमी ने इसका सही आंसर दिया. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का. ये कौन सा नाम है? डॉन आ गया है. डॉन आ गया है. यस, टॉप मोस्ट पॉइंट पे डॉन आ गया है एंड सेकंड पे राशु कुमारी एंड थर्ड पे साना. जो भी है अपना सही नाम लिखो, नहीं तो ये क्विज हम बंद करते हैं. नाइन्थ क्लास का क्विज. कोई भी है अपना नाम, जो रियल नाम है वो नाम रियल लिखे, नहीं तो क्विज लास्ट में हमको बंद कर देना होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है कि फंक्शनल रीजन ऑफ सेल आर, सेल के तीन फंक्शनल रीजन होते हैं और आप चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन है. ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस. बी ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गॉल्गी बॉडी. सी ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. और डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सही आंसर चूज करना है इसका. बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको हमने बहुत इजी वे में आपको वीडियो में बताया है. फास्ट आंसर देने की कोशिश करें. फास्ट और सही आंसर और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लाएंगे. 3 2 1 टाइम अप. और टाइम समाप्त हुआ. 10 आदमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. का सही आंसर है सी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इनको हम फंक्शनल रीजन ऑफ द सेल कहते हैं. और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पाए हैं. 10 आदमी इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए. ओनली 10 आदमी इसका सही आंसर पाए. बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात. इसका मतलब कि सभी लोग वीडियो को चला करके देखे नहीं है. अगर वीडियो को चला के सब लोग देखे रहते तो इसका आंसर बहुत इजी वे में दे देते. सी ऑप्शन सही है इसका, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. और आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर. एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे राशु कुमारी. टॉप मोस्ट पे राशु कुमारी, कांग्रेचुलेशन. एंड सेकंड पे डॉन आ गया है. सेकंड पे नाम लेने में हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है ऐसे स्टूडेंट्स का. एंड थर्ड पे साना, ज्योति एंड एमडी हबीबुल्ला, वाजिद, रोहित, पीयूष राज, इंतजाम एंड संजीव कुमार. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शनल रीजन ऑफ सेल आर, फंक्शनल रीजंस ऑफ सेल आर. सेल की जो फंक्शनल रीजन होते हैं, ए ऑप्शन है नॉन लिविंग होता है, बी ऑप्शन है लिविंग होता है, या सी ऑप्शन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, या नॉन ऑफ दीज. फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, सेल के जो तीन फंक्शनल रीजन होते हैं.
फर्स्ट पे है राशु कुमारी, कंग्रेचुलेशन राशु। एंड सेकंड पे है साना, एंड थर्ड पे डॉन आ गया है, एंड एमडी हबीबुल्ला, जिया कुमारी एंड पीयूष राज। नाम रखने से डॉन नहीं हो जाते हैं, काम करने से आदमी डॉन बनता है। और डॉन नाम का नाम रख करके आप बैक होते जा रहे हो, पीछे चलते जा रहे हो। इसलिए अपने अंदर थोड़ी मेरिट पैदा करो। जो भी डॉन नाम अपना लिखा है, और आप अगले टाइम से सही नाम लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन एंड फैटी एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, नॉट नन ऑफ दीज। और फास्टेस्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर का फास्टेस्ट आंसर देने की कोशिश करें, और इसका सही आंसर है लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। फोर का बी ऑप्शन सही है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। और इसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। टाइम अप। एंड इस क्वेश्चन का फास्टेस्ट आंसर देने वाला का नाम है साना, एंड थर्ड सेकेंड पे हबीबुल्ला, एंड हाँ फर्स्ट साना, एंड थर्ड पे राशु कुमारी। राशु कुमारी डॉन डॉन में हो गया है, डॉन डॉन चला गया है, डॉन डॉन हो गया है। चलिए डॉन, आप डॉन है लेकिन मेरिट से नहीं है। चलिए, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। यूकैरियोटिक सेल के नॉन लिविंग पार्ट को क्या कहा जाता है? फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, बी ऑप्शन सेल इंक्लूजन, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। और टाइम समाप्त होते जा रहा है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और 3 2 1 टाइम अप। और इसका सही आंसर है बी, फाइव का बी ऑप्शन सही है, सेल इंक्लूजन, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज सेल इंक्लूजन। चलिए देखते हैं, 10 आदमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाए। 10, ओनली 10 मेंबर आर गिविंग द राइट आंसर। ओके, चलिए बहुत बधाई है सबको। क्वेश्चन का फास्टेस्ट आंसर देने वाला का नाम है साना, एंड एमडी हबीबुल्ला, जिया एंड राशिद, एंड इस क्विज का विनर है साना। चलिए कांग्रेचुलेशन साना, इस क्विज के विनर बन गई, बहुत ही बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आप क्वेश्चन का आंसर देते रहे, क्विज करते रहे, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे। क्विज देने से नॉलेज आपका बढ़ भी रहा है। चलिए ओके, बहुत बहुत थैंक्स सबको, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन जीतने वाले को। इस क्विज के जीतने वाले को, सना ने इस क्विज को जीत लिया है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग